हाय फ्रेंड्स, मैं मुश्ताक, आप देख रहे हैं एमक्यू टच गुरु। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस के अंदर हमने यूज़र इंटरफेस कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम लेआउट के अंदर जो जनरल है उसके अंदर जो कार्ड व्यू है उसका प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, कार्ड व्यू को मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। अब फ्रेंड्स, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो एलिजन हॉरिजॉन्टल और एलिजन वर्टिकल हैं इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, और बैकग्राउंड कलर के बारे में भी आप जानते हैं। बट मैं अभी बैकग्राउंड कलर को वाइट से नन में कर देता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो। और फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। कॉन्टेंट पेडिंग बटन, ये फ्रेंड्स, और कंटेंट पेडिंग लेफ्ट बॉटम लेफ्ट राइट एंड टॉप, ये चार कोने का अलग अलग, मतलब ऊपर नीचे और दाएं बाएं की तरफ जो एक बिल्कुल वाइट कलर में पेडिंग होता है उसके बारे में है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा बाद में बताऊंगा, सबसे पहले देखते हैं कॉर्नर रेडियस। आप देख रहे होंगे ये जो हमने कार्ड व्यू लगाया है इसके कॉर्नर के अंदर ब्लैक ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा। मैं इसकी हाइट और विड्थ को बढ़ा कर फिर आपको फिर से बता देता हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से ये बहुत, मतलब बड़े साइज के अंदर आपको कॉर्नर के अंदर कुछ दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, इस कॉर्नर के अंदर ये जो रेडियस है इसको बढ़ाने और घटाने के लिए यहाँ पर ये कॉर्नर रेडियस का इस्तेमाल होता है। तो अब ये देखिए, अब ये कॉर्नर का जो ये है ग्रे कलर के अंदर, ये आपको दिख रहा होगा। अब फ्रेंड्स, एलिवेशन भी इसी तरीके का है फ्रेंड्स, बट अभी मैं इसका बढ़ा देता हूँ, उसके बाद में आपको पता चलेगा। ये देखिए, एलिवेशन का मतलब है ये फेडिंग के अंदर कितना चला जाए, यानी बिल्कुल फैला हुआ कलर दिखे और ये ज़्यादा गिरे के अंदर ना आए। तो इस तरीके से जो एलिवेशन होता है उसका आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फुल क्लिकेबल फ्रेंड्स, अगर इसको रखेंगे क्लिक चिक रखेंगे तो ये पूरा कार्ड क्लिकेबल होगा फ्रेंड्स। अभी आपको दिख नहीं रहा है, लास्ट में मैं आपको बताऊँगा। इस तरीके से फ्रेंड, स्ट्रोक कलर फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं मैं इसका स्ट्रोक कलर ग्रीन चूज़ करता हूं और उसके बाद मैं सेट करता हूं। तो फ्रेंड्स, अभी आपको स्ट्रोक कलर का पता नहीं चलेगा। अब मैं स्ट्रोक विड्थ को बढ़ाऊंगा तब आपको स्ट्रोक कलर का पता चलेगा कि कौन सा होता है स्ट्रोक कलर। तो फ्रेंड्स, अभी भी आपको पता नहीं चला। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एलिवेशन को मैं इसका ज़ीरो कर देता हूँ और कॉर्नर को कर देता हूँ टू पर। तो अब आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। बाहर की तरफ का जो कलर होता है उसे स्ट्रोक कलर कहते हैं, और इसकी विड्थ वगैरह भी आप देख रहे हैं इस टाइप से होता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइप से हमारा स्ट्रोक होता है और इस तरीके से हमारा एलिवेशन होता है। अब ये जो कॉन्टेंट पेडिंग है ये अंदर की तरफ, फ्रेंड्स आप देख रहे हैं अंदर की जो लाइन है, अंदर वाली लाइन जो है उस लाइन को कम ज़्यादा करने के लिए या फिर उस लाइन से कितना दूर और कितना पास में रखने के लिए इस कंटेंट पेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से एडवांस फीचर के अंदर आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे जो कि सेम है बिल्कुल बटन के अंदर, इसके बारे में टच कलर का पता होगा आपको। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसके अंदर एक और ऑप्शन था जिसका नाम है फुल क्लिकेबल। इसके लिए मैं एक बार इसके अंदर एक बटन का ऑप्शन डाल देता हूँ। बटन का ऑप्शन मैंने ये अंदर डाल दिया है। अब फ्रेंड्स, ये मैंने बटन डाल दिया है और ये आ रहा है अभी लेफ्ट साइड के अंदर। तो फ्रेंड्स, फिर से कार्ड व्यू पे मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके अंदर जो फुल क्लिकेबल है उसको अनचिक कर देता हूँ। तो अब आप मोबाइल में देखिए, एक मिनट, इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको आसानी हो इसमें देखने को। अब फ्रेंड्स, अब क्लिकेबल का दिख रहा होगा, मैं जहाँ पर भी क्लिक कर रहा हूँ पीछे की तरफ ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्लिक हो रहा हो। अब मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो सिर्फ बटन के ऊपर इस टाइप से लग रहा है कि ये बटन क्लिक हो रहा है। तो इसे अगर मैं फुल क्लिकेबल कर देता हूँ तो अगर मैं बटन पर भी क्लिक करूँगा तो बटन काम नहीं करेगा, बट ये कार्ड व्यू का टच ही काम करेगा। जैसे ये मैंने बटन पे क्लिक किया लेकिन पूरा कार्ड व्यू पर ही इस तरीके से क्लिक हो रहा है। तो इसे कहते हैं फ्रेंड फुल क्लिकेबल। तो इस तरीके से होता है फुल क्लिकेबल।
अब कंटेंट पेडिंग और ये सारी चीज़ें अगर आप अपने कोडुलर अकाउंट के अंदर आप अपने हाथ से करेंगे तो आपको ज़्यादा लर्निंग होगी, आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।